अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन में एक बार फिर इल्जामात के तबादले का मौसम शुरू हो चुका है। कल शहबाज शरीफ की प्रेसर के बाद आज वजीर आजम के मुआवन खसूसी शहजाद अकबर ने जवाबी प्रेसर की और शहबाज शरीफ साहब पर अरबों की करप्शन के नए इल्जामात लगा दिए। शहजाद अकबर ने कहा कि नवंबर 2018 में नैब ने कुछ इंक्वायरी शुरू की तो पता चला कि शहबाज शरीफ साहब के एसेट्स में 10 साल के दौरान 70% इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि फेक टीटीस के जरिए मासूम लोगों के नाम पर पैसा बाहर से आया, 32 कंपनियां बनाई गई और फिर कई मुलजमान जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं। अब इन कागजी कंपनियों से ये साबित करने की कोशिश की गई है कि सब कुछ डिक्लेयर्ड है। हुकूमत और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान जो ये हमें रिसेंट एक हीट अप होते हुए मामला नजर आ रहे हैं, हालिया जो मुहाजरा ही अगर कह लिया जाए, तो ये एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब हुकूमत को अपोजिशन के साथ की जरूरत है और बहुत से मामलात पर उनको उनको अपने साथ लेके चलना है ताकि वो मामलात हल हो सके। लेकिन कशीदगी से तो ये लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन इन अहम नेशनल इश्यूज को सियासत की नजर करते शायद नजर आ रहे हैं। और इसी तरह मलिक रियाज साहब की जानिब से जो हासिल होने वाली रकम है उसका भी उन्होंने तस्करा किया शहजाद अकबर साहब ने आज के अपनी प्रेसर में, कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है जब कानूनी अमल के तहत किसी दूसरे मुल्क से इतनी बड़ी अमाउंट की रकम जो है वापस मुल्क में लाई गई है और ये रकम सुप्रीम कोर्ट से लेकर रियासत के हवाले कर दी जाएगी। ये मामला फौजदारी मुकदमा नहीं बल्कि सिविल नौयत का है, सिविल सेटलमेंट कहा गया है। दूसरी जानिब अगर इलेक्शन कमीशन के इशू पर बात कर ली जाए, जहां पे इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट्स हैं, तो उस हवाले से आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी हुकूमत पर ही जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट के जरिए ही इन मसाइल को हल करें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तकर्री के लिए 10 रोज की मोहलत दे दी है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सरदार रजा साहब है, वो 5 साल अपनी मुलाजमत पूरी करने के बाद आज अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। इस रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर फाल है, डिसफंक्शनल होगा। शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर वजीर आजम को खत लिखा जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से 3 नाम दे दिए हैं और इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट पर उन्होंने जोर दिया है। अब आज हुकूमत की जानिब से भी 3 नाम सामने आ चुके हैं और फवाद चौधरी साहब का कहना है कि कोई डेडलॉक बिल्कुल नहीं है, आज या कल चीफ इलेक्शन कमीशन के नाम पर इत्तेफाक होता हुआ नजर आ जाएगा। अब यहां पर सवालात ये उठाए जा रहे हैं मौजूदा हालात को देखकर के हुकूमत और अपोजिशन की बड़ी जमात नून लीग के दरमियान ये इख्तलाफात अचानक से क्यों बढ़ते नजर आ रहे हैं और अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे, और इस तमाम सिचुएशन के एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे। साथ साथ वजीर आजम इमरान खान जो है वो आज इस्लामाबाद में डिजिटल पाकिस्तान विजन की तकरीब से खिताब करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क अब बेहतरी की जानिब रवां दवा है और इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो भी पॉजिटिव इंडेक्सेस जो हैं, इकोनॉमिक इंडेक्सेस उनके होने का एतराफ़ कर रहे हैं। एक बार फिर कहता हूँ कि अवाम घबराए ना, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। हम आपको एग्जैक्टली सुनवाएंगे भी कि आज वजीर आजम ने क्या कहा, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन हियर, हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चले। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नदीम कुरैशी साहब, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैं, और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे लाहौर स्टूडियो से ही नवेद चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज करें, हम पहले सुनवा दें कि आज जो मुआवन खसूसी वजीर आजम थे शहजाद अकबर साहब, वो अपनी प्रेसर में क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के एसेट्स के हवाले से। लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन। नैब ने कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी नवंबर 2018 में एसेट्स के केस में, और फिर वो कन्वर्ट हो जाती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि उस प्रोब के दौरान, उस इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश के दौरान ये पता चलता है कि शहबाज शरीफ और उस खानदान की एसेट्स में, उनके ज़राए में, उनके जितने भी एसेट्स हैं उसमें होशरुबा इजाफा हुआ है, और वो सारा होशरुबा इजाफा उनके रीसेंट दौरे इकतदार में उनके ज़ाती एसेट्स में, यानी कि शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया नुसरत शहबाज, साहबजादे हमजा, उनकी साहबजादियाँ भी, और सबसे ज़्यादा सुलेमान शहबाज के असासों में होशरुबा, एक होता है बेपनाह इजाफा, उसके ऊपर की एक चीज़ होती है होशरुबा इजाफा।
तो वो जो होश रुबा इजाफा है, अगर आप सुलेमान शहबाज शरीफ के एसेट्स, और कल इन्होंने बात भी की थी डिक्लेयर्ड एसेट्स की, तो उसके ऊपर अगर आप आएँ तो डिक्लेयर्ड एसेट में ही होश रुबा इजाफा हुआ। तो अगर आप शहबाज शरीफ साहब का देखें तो उनके एसेट्स में इन 10 सालों में 70 गुना इजाफा होता है, लेकिन अगर आप सुलेमान शहबाज शरीफ ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट की तरफ देखें तो उसके असासों में 8000 गुना इजाफा होता है, 8000 टाइम्स। और इस तरह से हमजा के भी और नुसरत शहबाज के भी असासों में बेगुना इजाफा हुआ। जी, अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम यहाँ पर सिद्दीकुल फारूक साहब आपसे अपनी डिस्कशन का आगाज करना चाहेंगे। सिंस आज जो मुआवने खसूसी हैं वजीर आजम के शहजाद अकबर साहब, उन्होंने इल्जाम आयद किए हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, और अभी हमने आपको सुनवा भी दिया कि वो क्या कह रहे हैं। उनके मुताबिक नवंबर 2018 में नैब ने कुछ इंक्वायरी शुरू की थी, जिससे पता चलता है कि शहबाज शरीफ साहब की जो पर्सनल एसेट्स हैं उनमें 10 साल के दौरान 70% इजाफा होता है, जबकि सलमान शहबाज उनके एसेट्स में 8000 गुना जो है इजाफा होता है। तो अब और फिर जो हमजा शहबाज है उनको उनके एसेट्स में भी होश रुबा इजाफा हुआ है। उन्होंने लफ्ज होश रुबा इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा कोई मामूली नहीं, ज्यादा नहीं, बल्कि होश रुबा इजाफा हुआ है। तो अब ये क्या फरमाइएगा, आज की प्रेशर कितनी डैमेजिंग हो सकती है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की सियासत को लेकर या उनके रोल को लेकर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत, तो इसके इमरान खान से लेके नीचे तक सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब इदारे आज़ाद हैं, हमारा नैब अदालतों से कोई ताल्लुक नहीं, वो अपना काम करते हैं। तो अगर नैब ने ये इंक्वायरी की है तो शहजाद अकबर किस हैसियत में नैब की इंक्वायरी की बातों को लेके सामने आए हैं? अगर कोई बात है तो वो अदालत में जानी चाहिए, पहली बात, नंबर एक। नंबर दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वो खानदान है जिनके 1962 में 7 कारखाने थे, और उस वक्त पाकिस्तान का स्टील का सबसे बड़ा कारखाना इत्तेफाक फाउंड्री ही थी। दो, तीसरी बात ये है कि आज जो मामला इन्होंने जो केस बनाए नैब ने और जमानत की मंसूखी के सिलसिले में वो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हकायक आए, इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के सामने कुछ और लोगों के हवाले से जो हकायक आए, तो ये बात सामने आई कि नैब वालों ने ये मुकदमात बेबुनियाद बनाए हैं। आप देखिए ना, उधर से जमानत कन्फर्म होती है, उधर से शहबाज शरीफ साहब के असासे मुंजमित कर दिए जाते हैं। किस तरह नजर नहीं आता कि वो ये चाहते हैं कि इनको कहीं से अगर रिलीफ मिले तो हम रिलीफ लेने नहीं देंगे। फिर इनके जितने लंबे चौड़े दावे हैं कि एहतसाब हमने जो है वो इवन हैंडेडली करना है, तराजू के पलड़े बराबर रखने हैं, इनके अपने लोगों पर जो इल्जामात हैं, अभी चेयरमैन नैब साहब ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि अब हवाएं चलनी शुरू हुई हैं और जो यकतरफा एहतसाब का तासर है वो अब खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या नैब ने जो खुद एक बात की चेयरमैन नैब साहब ने, तो इन 15 दिनों में उनके बयान के बाद क्या कोई हुक्मरान तबके के खिलाफ, बिलखसूस इमरान खान जिनकी ऑफशोर कंपनियां भी हैं, उन्होंने इतराफ किया है, जिनके अपना मकान का मामला जो है यहाँ बन्नीगाला में वो भी सामने है, जिनका हेलीकॉप्टर केस है, जिनकी वहां जनाब अली इन्होंने अपना पिशावर मेट्रो के हवाले से जो मामलात हैं और स्टे ले रखा है, क्या कुछ हुआ? तो इनकी बातें, और मैं ये मुझे कोई समझा दे दलायल से कि शहजाद अकबर किस हैसियत में आके नैब के मामलात सामने लाते हैं, ये बता दें। ऑलराइट, हम सवाल उठाएंगे यहाँ पर हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव से, लेकिन इससे पहले कि हम उनकी जाने बड़े, नवेद चौधरी साहब, अब ये आज की प्रेशर आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, जिसमें कि बड़ा एक जिसे कहना चाहिए करप्शन थ्रिलर लगता है जब हम बैठकर ये पढ़ रहे होते हैं कि जाली टीटी के जरिए जो है जो इनोसेंट लोग हैं उनके नाम पर पैसा बाहर से लाया जाता है, फिर 32 कंपनीज बनाई जाती हैं कागजी कंपनीज, और फिर मुलजमान जो है वो पकड़े जाते हैं, कुछ कैश बॉयज होते हैं, कुछ फ्रंट मैन होते हैं, और फिर इन कागजी कंपनी से ये प्रूफ करने की कोशिश की जाती है कि ये सब कुछ डिक्लेयर्ड है, और शहबाज शरीफ साहब के जो एसेट्स हैं वो हमारे सामने जो नंबर्स रखे गए हैं आज वो 10 सालों में 70% ऊपर जाते हैं, जो सलमान शहबाज है उनके 8000 टाइम्स एसेट्स में इजाफा होता है। तो ये ऐसी कौन सी साइंस है
जो कि शहबाज शरीफ साहब या ये कि सलमान शहबाज साहब के पास है बिजनेस के हवाले से, कि इतनी तेजी से ये इजाफा नजर आ रहा है, अगर ऐसी कोई साइंस है तो फिर आवाम को भी इनलाइटमेंट करना चाहिए इस हवाले से। देखिए, जहाँ तक तो उनके कारोबार का ताल्लुक है और किस तरह से कौन सी रॉकेट साइंस इस्तेमाल की है, ये को आज की बात नहीं है। तो आपको पता है जब से वो इक्तदार में आए हैं तो ये हमने एज अपोजिशन उनके जब थे तो हम भी यही कहते थे कि हमें भी ये समझा दें ये कौन सा तरीका है, क्या होता रहा है। और बहुत से आपने देखा होगा, लेकिन माजी में क्योंकि वो पंजाब के एक लाडले थे और लाडले के तौर पर वो उनको जैसे आजकल इमरान खान लाडले हैं और वो भी लाडले थे, तो इसलिए कोई उस पर देखा नहीं गया। लेकिन जो चीज़ें आपकी गोशे गुजार करना चाहता हूँ शहजाद अकबर साहब के हवाले से या दूसरों से, जब से ये हुकूमत आई है इस हकूमत का काम एक है कि कोई इशू उठाती है और उठाने के बाद उसको मीडिया पे ट्रायल शुरू हो जाता है उसका। हालांकि होना ये चाहिए कि उसका रेफरेंस बने, कोर्ट में जाए, कोर्ट में डिसीजन आए, उसके कान जाए, लेकिन अभी तक किसी मामले को कोर्ट में रेफरेंस के तौर पे पेश करके ना को ट्रायल शुरू हुआ, ना उससे बातें हुई, ना चीज़ें हुई। एक ट्रायल अगर हुआ भी था तो वो भी आपको याद होगा पनामा इशूज पे हुआ था, ना कि उसके अंदर को नैप की को कारकर्दगी या नैप की वजह से हुआ था। तो ये जो चीज़ें कर रहे हैं इसको मीडिया ट्रायल को इनको बंद करना चाहिए। इनको चाहिए अगर इनके पास इतने अच्छे सबूत है, इतनी अच्छी एविडेंस है, तो सुबह रेफरेंस बनाएं और कोर्ट में चले जाएं, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कि हकायक क्या है। आपने देखा एक तरफ शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस तरह, तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, असल मसाइल जो हैं उनकी तरफ ना ये तवज्जो दे रहे हैं ना ये तवज्जो देने की नौबत आ रही है। महंगाई की इंडिकेटर हर रोज़ बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है वो आपके सामने नजर आ रहा है। रोज़ ये कहना घबराना ना, और मुझे तो आज हंसी आ रही थी बिल्कुल ये उसी स्टेटमेंट में चाहिए। इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 9 सालों के हाईएस्ट रेट पर इस वक्त नजर आ रही है, बट एट द सेम टाइम अगर किसी के पर्सनल एसेट्स में जो कि बताया जा रहा है, अलेजिडली कहा जा रहा है, जिस हिसाब से इजाफा हुआ है तो फिर उसको भी प्रोब तो करना चाहिए। हम हकूमत मैंने तो क्या प्रोब करें नदीम कुरैशी साहब, मैं तो कह रहा हूँ प्रोब करें, मैंने ये तो नहीं कहा। कुरैशी साहब, अब ये आज शहजाद अकबर साहब जो है वो हमारे सामने शहबाज शरीफ साहब से 18 सवालों के जवाब मांगते हैं, और वो जो अहम सवालात हैं उसमें वो कहते हैं कि वो बताएं शहबाज शरीफ साहब कि आपने इन पैसों से तहमीना दुरानी साहिबा के लिए जो विस्परिंग पाइन है वहाँ पे 2 विलाज खरीदे हैं वो किस पैसे से खरीदे हैं, और फिर क्या जीएमसी से जो अरबों कैश की सूरत में निकाल कर शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के जो अंदरूनी और बैरूनी एक्सपेंसिस थे क्या ये मनी उन अखराजात के लिए इस्तेमाल नहीं की गई। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जीएमसी के मालिकान को वजीर आला के ऑफिस में आला ओहदों पर फाइज करके क्या बराह रास्त इस काले धन को सफेद करने के कारोबार को जो तहफ्फुज देने के लिए क्या सरपरस्ती नहीं करते थे ये उनके। तो अब ये सवालात तो हमारे सामने रख दिए गए हैं शहजाद अकबर साहब की जानिब से, और बड़ा एक करप्शन थ्रिलर जो है वो हमारे सामने है, हमने जब उसको पढ़ा है तो बड़े बड़े इंकशाफात आ रहे हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, ऑपोजिशन भी आपसे यही कह रही है कि आपके पास अगर इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज हैं तो वाई डोंट यू गो टू कोर्ट्स, आप क्यों नहीं रेफरेंस फाइल करते और कोर्ट में जाएं। कोर्ट में जब आप जाते हैं बकौल एहसन इकबाल साहब के तो वहां पर किसी किस्म के प्रोसिक्यूशन या स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस सामने लाने से कासिर नजर आते हैं, क्यों? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए एक तो मैं अर्ज करूं कि एंट्रो में आपने जो बात फरमाई, 18 सवाल तो किए शहजाद अकबर साहब ने, एक सवाल बतौर एक पोलिटिकल वर्कर के, बतौर एक आम पाकिस्तानी के मैं भी करता हूँ, जो क्वेश्चन आपने किया कि ये कौन सी रॉकेट साइंस है जो सिर्फ इन्हीं चंद फैमिलीज के पास है कि ये इकतदार में होते हैं तो इनके असासे $48 पे चले जाते हैं और उसी दौरान मुल्क के असासे कर्जों के बोझ तले जकड़े जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि शहबाज शरीफ साहब शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में उन 18 क्वेश्चंस को आंसर करते और बड़ा खूबसूरत होता, क्योंकि वो बड़े बिजी हैं, बड़ी तकलीफ में हैं इस वक्त, उनके भाई साहब नवाज शरीफ साहब बड़े शदीद अलील हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और वो गए भी वहाँ उनकी अलालत के सिलसिले में तीमारदारी के लिए हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पूरा अपना कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए अपना स्टेज बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम तो समझते थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे कि जी मैंने डेली मेल के उस सहाफ़ी पर भी सूट कर दिया है जिसको मैंने कहा था कि इसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया शलाब ज़दगान के फंड के मिसयूज़ का। लेकिन लंदन में होने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उन्होंने मसूर अनवर
शोएब कमर, इन सब की उन बातों का जवाब दिया कि जिस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहे। देखिए आज जिस दौर में हम बैठे हैं पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपको पर्सनली ऑफर कर रहा हूं, आप अपने बैंक में जाएं, आप अपने बैंक में जाएं। सारे मामला थे नदीम कुरैशी साहब, अगर आपके हुकूमत के सामने ये तमाम मामला थे तो फिर शहजाद अकबर साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कर रहे हैं? वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात क्यों नहीं कायम करते और फिर उनका नाम ईसीएल में क्यों नहीं डाला जाता? फिर आपने उन्हें बाहर क्यों जाने दिया? देखिए मैं कर्ज करूंगा आपको, एक तो मैं बार बार एक चीज का इजहार करता रहूंगा और हम कर रहे हैं, ये हमारी ऑफिशियल हमारी स्टेटमेंट भी और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान में अब इदारे आजाद हैं। शहजाद अकबर साहब मुआवने खसूसी हैं वजीर अजम पाकिस्तान के, नैब के हवाले से, यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसके हवाले से, और एस साहब के, जाहिर उन्होंने ये सारा केस रिप्रेजेंट करना है कौम के सामने। अगले मरहले में इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। नैब का अपना खुदकार एक तरीकाकार है, वहाँ डायरेक्ट कतन किसी एफआईआर का रिवाज नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन होती है, रेफरेंस होते हैं। और शहजाद अकबर साहब ने कोई जुबानी जमा खर्च नहीं की, उन्होंने हर चीज के रिटर्न एविडेंस टीवी स्क्रीन पर आपके साफियों को दिखाए हैं। अभी नवे चौधरी साहब से बसद एहतराम ये फरमा रहे थे कि जी मीडिया ट्रायल, हुजूर मीडिया तो अब आजाद है, उसका सबूत यह कि आप क्वेश्चन कर रही हैं मैं आपको आंसर कर रहा हूं। नवे चौधरी साहब अपना मौकफ दे रहे हैं। अब जब एक इतनी बड़ी न्यूज के 8000 गुना इजाफा हो जाना किसी शख्स के असासों में और वो खानदान हुक्मरान भी रहा हो, ये बहुत बड़ा लम्हा है, फिक्री है। आज तक शहबाज शरीफ साहब अपनी नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स की जो उनका इजहार वो फरमाते हैं उसमें वो अपने दामाद अली इमरान को क्लीन चिट नहीं दिलवा सके, वो आंसर नहीं दे सके कि साफ पानी स्कीम में ऐसी कौन सी जरूरत थी कि अली इमरान साहब की ही जगह रेंट होनी थी, उसमें करोड़ों रुपए का रेंट देना था। लेकिन यहाँ पर अब 18 सवालात दोबारा उठा दिए गए हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, और ये जो 18 सवालात है उन्हीं में से कुछ सवालात हमने आपके सामने भी रखे हैं, और ये भी पूछा गया है शहबाज शरीफ साहब से कि क्या जो जीएमसी के मालिकान थे उनको वजीर आला के ऑफिस में आला ओहदों पर जो है फाइस करके और फिर वो डायरेक्टली जो है ये जो आ रहा था करप्टेड मनी इसको सफेद करने के लिए जो है वो कारोबार को तहफ़ देने के लिए मामलात जो है वो दिए जाते थे और उसके लिए रास्ते जो वो निकाले जाते थे, और फिर क्या दुबई की जो चार कंपनीज हैं वो बेगम नुसरत शहबाज और जो सलमान शहबाज हैं उनके अकाउंट से बजरिया जो है जो टीटी रकूम मुंतकिल होती थी क्या इन अकाउंट्स के जरिए होती थी? बहुत से सवाल उठा दिए हैं आज शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो अब ये आप लोगों का क्या, इसको आप इनकाउंटर करेंगे, लीगली जाएंगे, सू करेंगे, हकूमत के पीछे जाएंगे? और फिर शहजाद अकबर ने यह भी कहा कि जो यूके डेली मेल अखबार है अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने उस डेली मेल को सू नहीं किया, लीगल एक्शन नहीं लिया है, जबकि 5 माह पहले उन्होंने कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि वो जाकर इस डेली मेल को जो है लीगली चैलेंज करेंगे। देखिए उनके सवालात जो उन्होंने मीडिया पे चलाए हैं और ये मीडिया ट्रायल है, बुनियादी बात ये है कि जो सवालात आप मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि अदालतें और नैब आजाद है तो उनको काम करने देना, नंबर एक। नंबर दो, ये रॉकेट साइंस की बात करते हैं, रॉकेट साइंस मैंने आपको बताया कि ये फैमिली 1962 में 7 कारखानों वाली फैमिली है। ये जहांगीर तरीन जिनके बाप एक मामूली पुलिस में मुलाजिम थे, छोटे अफसर थे, ये जहांगीर तरीन के पास जो वक्त पाकिस्तान की 63% चीनी वो बना रहे हैं, ये अगर उनसे भी पूछें कि वो कहां से ये पैसे लाए हैं, सिर्फ चीनी और बाकी मामला उसके अलावा हैं, ये जो अलीम खान है ये वो इतने पैसे कहां से लेके आए हैं, कहां से बनाए हैं? खुद इमरान खान जिनको ये कहते थे कि मेरी वालदा के इलाज के लिए पैसे नहीं थे इसलिए वो वफात पा गई और शौकत खानम के लिए चंदा लिया, इनके पास अरब हार रुपए कहाँ से आ गए जिसके पास अपनी वालदा के इलाज के लिए पैसे नहीं थे? ये भी जरा देखिएगा। और मैं फिर ये ऑब्जर्व करूंगा कि मैं किसी को, अगर वो दुरुस्त है, मेरे सामने हकायक नहीं है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने बहुत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं इन लोगों ने, इमरान खान समेत 104 यू टर्न तो इमरान खान के साबित हो चुके हैं जब से ये सियासत में, 104 यू टर्न सारी बातें झूठी इन्होंने की है कौम के साथ और धोखा दिया है कौम को। मैं 100 दिनों में तब्दील कर दूंगा, मैं 100 दिनों में आपकी किस्मत बना दूंगा। तो इसी तरह से इसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हवा में उड़ गई, जो अभी आप भी उनके सवालात बार बार दोहरा रही हैं, और जो बुनियादी बात यह है कि अगर ये मामला दुरुस्त हैं तो भाई आप अदालत में जाएं, और अगर एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं
کیسے ڈکلیئر کر سکتا ہے جب تک اس کو ڈیفینڈ نہ کرے کہ ہاں یہ میری ان ذرائع سے آئے ہیں. کوئی ڈکلیئر کرتا ہے لوگ خفیہ رکھتے ہیں, بے نامیاں جو ہے بے نامی اکاؤنٹس ان کے ہوتے ہیں, بے نامی چیزیں ہوتی ہیں. جو چیز ڈکلیئرڈ ہو اس کے لیے تو اس کے پاس ثبوت لازمن ہوتا ہے, اس کے بغیر کوئی ڈکلیئر کرتا ہی نہیں ہے. تو ڈکلیئرڈ ایسٹس کے بارے میں آپ کیا باتیں کرتے ہیں, لے جاؤ نا بھائی عدالت میں اور انڈیپینڈنٹ عدالت میں. اور پھر ایک اور بات, ان کا اپنا وزیر تجارت ہے, ایک جملہ سن لیں کہ ان کے اپنے وزیر تجارت صاحب جو ہیں کیا ان کی ٹریلینز آف روپیز کی اپنی جو ہے انڈسٹریز اور ان کا کاروبار نہیں ہے؟ ان کو انہوں نے وزیر تجارت بنایا, ان کو ڈیم کا ٹھیکہ پہلے ان کے نام ہوا 310 ارب روپے کا, پھر جب ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی تو تب جا کے وہ ٹھیکہ ان سے جو ہے وہ لیا گیا. یہ ساری باتیں سامنے رکھے ہیں حقائق, جھوٹ بولنے سے آج دیکھیے نا, آج آپ ان کے سوالات بار بار دور آ رہی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں شہزاد اکبر, وہ یہ کہتے ہیں, ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے کہ آج نیلم نواب ان کے سوالات دور آ رہی ہے. تو اصل حقائق یہ ہیں کہ بھائی ادھر جاؤ نا, اگر آزاد ہے عدلیہ اور آزاد ہے نیب تو جاؤ وہاں لے کے جاؤ, یہاں عوام کے سامنے کیا پیش کر رہا ہے. ہماری نظر رہے گی, ظاہر بات ہے سوال چاہے اپوزیشن اٹھائے یا حکومتی جو فیکٹر ہے وہ اٹھائے, ہمارا کام ہے کہ ہر جانب سے جو سوال سامنے ہے ان کو سامنے رکھا جائے. لیکن یہاں پر آج کی پریسر میں ایک اور بات ان کی جانب سے کی گئی, نوید چودھری صاحب, شہزاد اکبر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب قانونی عمل کے ذریعے کسی دوسرے ملک سے رقم واپس ملک میں لائی گئی ہے اور یہ رقم سپریم کورٹ سے لے کر پھر سٹیٹ کے حوالے کر دی جائے گی. تو اب اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ فوجداری مقدمہ نہیں ہے, یہ کرمنل اس میں ایسپیکٹ میں نہیں آتا, بلکہ یہ سول نوعیت کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے. اور جو مزید ڈیٹیلز بتانے سے انہوں نے گریز کیا اس معاملے کو لے کر, انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس معاملے میں دوسرے ملک کی حکومت شامل ہے جو کہ ہمارے سامنے نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے یو کے کی این سی اے, اس لیے وہ ڈیٹیلز پر تبصرہ کرنے سے گریز کریں گے. تو اب سوالات پھر یہاں پر یہ اٹھائے جا رہے ہیں اس معاملے کو لے کر کہ حکومت اسی طرح مزید بھی لوگوں سے پیسہ واپس نکلواتی نظر آئے گی اور پھر وہ واپس پیسہ ملک میں آئے گا, کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں اس کا کریڈٹ حکومت کو تو نہیں جاتا, اس کا کریڈٹ تو سپریم کورٹ کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ایک ججمنٹ دی تھی اور اس ججمنٹ کو ملک ریاض صاحب نے آج خود کہا کہ ہم نے وہ آنر کر رہے ہیں. اور وہ ایک ٹائم فریم آپ کو پتہ ہے, وہ 5 سال کا ان کو ملا تھا کہ 5 سال میں وہ ایسے ایسے پیمنٹ لے کے آئیں گے. اگر وہ لے کے آ رہے ہیں تو ایک اچھی خوشائن بات ہے کہ اگر جو انہوں نے وعدہ کیا اگر نہ کرتے تو وہ بھی کنٹیمپٹ لگتی ہے اور انہیں بھی پنشمنٹ اس کی ہو سکتی تھی. اسی لیے حکومت اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لے رہی اور اسی لیے حکومت اس کو ڈسکس بھی نہیں کر رہی اس اینگل سے. لیکن جو بات اصل میں کرنے جا رہا ہوں, بات یہ ہے کہ کل جب پریس کانفرنس شباشی صاحب کی ہوئی تھی اس کے جواب میں مشیر اطلاعات اور ایک یہاں کے صوبائی وزیر جو تھے اطلاعات کے, ان کی پریس کانفرنس سننی تھی اور آج شہزاد اکبر کی سننی تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. کل وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے, اس کے باپ کا نیازی نام ہے, تمہارے باپ کا اپنے حسب و نصب بتائے, یہ بات کی جاتی فردوس عاشق کمان کی طرف سے. اور وہ بلو دی بیلٹس ایسی گفتگو کر رہی تھی جس کو بہت نیگیٹو اینگل سے دیکھا گیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی آرگومنٹ تھا نہیں, ان سب سوالوں کو جواب نہیں تھا, یہ سب آفٹر تھاٹ آئے ہیں. رات کو بعد میں سوچا گیا کہ یہ تو ہمارے خلاف چلا گیا. اسی طرح وہ چوہان صاحب تھے جو اپنی زبان کے پکے ہیں, انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ حکومت بیوقوف ہے جس کو یہ پتا کہ بھائی ایک دفعہ غلط زبان کرنے سے اٹھایا گیا اور واپس لایا گیا تو کیوں لایا گیا, کیا وجوہات ہے؟ انہوں نے وہی فکرے شریف اہل شریف اور فلانا. بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے ہی نہیں, گفتگو کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. آفٹر تھاٹ آتے ہیں, میڈیا ٹرائل شروع ہوتا ہے. میرے بھائی ندیم صاحب نے کہا میڈیا ٹرائل کیسے جی, میڈیا ٹرائل اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ جائیں. جو رقم واپس آ رہی ہے جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے 190 million pounds کی, تو اس حوالے سے یہ رقم اگر ملک میں واپس آتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ان اے وے اسٹیپ سمجھا جائے گا پاکستان کی اکانومی میں, ایک جسے کہنا چاہیے سنبھالا دیتا ہوا, کیا کچھ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اس میں کچھ سپورٹ؟ اگر اکانومی کی بات کی جائے, اگر اکانومی کی بات کی جائے تو آپ کے سامنے ہے, یہاں کلیم کیا جاتا جی ہم نے $10 lakh جو ہے نا جی وہ ہم نے پے بیک کر دیا,
और देखना यह है कि वो पे बैक हुआ कहाँ से है। वो पे बैक हुआ है दोबारा लोन लेके, या तो ना कोई जनरेट किया हो, तो मैं समझू इकोनॉमी की बात हो रही है। यहाँ रोजाना डंडोरा पीटा जाता है, और अब बशीर जो है खजाना, उन्होंने मूडीज के जो प्रोग्राम है उसको ऐसे हाईलाइट किया। वो एक कैंपेन है IMF की अपनी, IMF अपनी वैलिडिटी शो करने के लिए मूडी जैसी चीज़ें रखता है ताकि लोगों को पता चले जी कि इनका इंडिकेटर कम हो गया था बढ़ गया था। कौन सी नई डेवलपमेंट हुई है, कौन सी 15 माह में ऐसे प्रोजेक्ट चले हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक इनपुट बढ़ रहा हो, तो मैं समझूँ। हाँ, एक प्रोजेक्ट बता दें। यहाँ रोजाना उस्मान बुजदार साहब को वसीम प्लस कहा जाता है, और आज उन्होंने कहा जी वसीम प्लस साहब, मैं ये बात सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर दूं आपके मुताबिक, आप मुझे कंप्लीट कर दें प्लीज, मिलीजुली भगत है, मुझे कंप्लीट करें। वसीम प्लस का कहा जाता है वसीम, लेकिन आज ही खुद इमरान खान साहब कहते हैं ये काम बहुत अच्छे करते हैं लेकिन अपनी पब्लिसिटी नहीं करते। और अगर काम अच्छे नजर ना आए तो उसका पब्लिसिटी की जरूरत क्या है? इसका मतलब आप मीडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके एक्शन में फिर नजर आ जाएगा। चौहान साहब कल जो है 5% उसको शेरशाह सूरी बना दिया। उस्मान बुजदार साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से कल की जो प्रेसर थी, बहरहाल नदीम कुरैशी साहब यहाँ पर ये जो ये मामला है हमारे सामने, और ये जो सेटलमेंट होती है NCA की जानिब से, UK की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनकी जानिब से जो ये सेटलमेंट हुई है 190 मिलियन पाउंड्स की, और ये जो कहा जा रहा है कि अब ये रकम जो है पाकिस्तान आ गई है, और शहजाद अकबर साहब ने मजीद डिटेल्स बताने से गुरेज किया। उन्होंने कहा क्योंकि इस मामले में दूसरे मुल्क की हुकूमत शामिल है इसलिए वो डिटेल्स पर तबसरा करने से गुरेज करेंगे। तो अब सवाल यहाँ पर यही पैदा हो रहा है कि फिर हुकूमत इसी तरह क्या आगे भी हम देखेंगे कि मजीद लोगों से भी पैसा वापस निकलवाती नजर आएगी और वो वापस मुल्क में आता हुआ नजर आएगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल संजीदा है, और हम चाहते हैं ये कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा, पाकिस्तान की आवाम को इस हाल पे पहुंचाया, और वो तमाम लोग जो इक्तदार में रहे और दौरान इक्तदार उनके असासों ने जरबों पे जरबे ली और वो करोड़ों से अरबों और अरबों से फिर अरबों डॉलर में चेंज हो गए, उनको अगर पाकिस्तान का पैसा लूटा हुआ और साबित होता है उनको पैसा लौटाना पड़ेगा। इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, इमरान खान का कतन कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं अभी अटैच करूंगा, अभी सदीकुल फारूक साहब ने तमाम, आपने जो उनसे क्वेश्चन किए 18 सवाल जो शहजाद अकबर साहब के थे, अब देखिए इतने सीजेंट पॉलिटिशियन कितने बेबस हैं कि एक सवाल का भी टेक्निकल आंसर नहीं कर सके। उन्होंने अलीमा खान, अलीम खान, जहांगीर तरीन, वो टेप जो पहले 6 माह में हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने मीडिया पर चलाई चुके, उनके पास लॉजिकल कोई बात नहीं है। वो अलीमा खान साहब को मैच करते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो यहां 30 साल से इक्तदार में और 10 साल से डायरेक्ट इक्तदार में पंजाब के। अलीमा खान साहब कभी पाकिस्तान में किसी कभी ऑफिस होल्डर नहीं रही। मैं तो तवक्को रखता था कि सदीकुल फारूक साहब टेक्निकल उस रसीद का जवाब देंगे जो कल शहजाद अकबर ने दिखाई, कि जिसे करोड़ों रुपया अकाउंट में शिफ्ट हो रहा है, ना डिपॉजिटर के साइन है, ना उस पर डेट है, और बैंक रिसीव कर रहा है। आप आज 1 लाख रुपया किसी अकाउंट में डिपॉजिट करें, मैं देखता हूं बगैर डिपॉजिटर के मैनेजर कैसे वो अकाउंट में पैसे शिफ्ट करता है। मतलब ये हैरान कुन बातें हैं कि सरकारी गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, इलीट की गाड़ियों में करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है। पहले वो मुल्क से बाहर जाता है, फिर वो मुल्क में वापस आता है। मतलब इस गोरख धंधे की क्या जरूरत है? अगर आपके अकाउंट्स डिक्लेयर हैं तो आप ये 32-34-35 कंपनियां क्यों बना रहे हैं? ये भी ओमनी ग्रुप के स्टाइल का वो सिलसिला है कि इख्तियार में रहते हुए दीगर जराए से किकबैक्स, कमीशंस। रची साहब, हमने एक ओमनी ग्रुप थ्रिलर भी सुना था, और उस हिसाब से भी हमने एक वो करप्शन के पूरे जो मामलात थे वो हमारे सामने लाए गए थे, बट इनका प्रूफ होना भी ज़रूरी है ताकि आपके जो ये बयानात हैं और जो इल्ज़ामात हैं इनकी वैलिडिटी हो सके। बट मूविंग ऑन टू सदीकुल फारूक साहब, जो हमने ये आपके सामने एक और मामला रखा, जो शहजाद अकबर साहब ने एक और मामले पर थोड़ी बहुत बातचीत की है, वो डिटेल देने से गुरेजा नजर आए कि ये जो रकम है, ये जो सेटलमेंट हुई है 190 मिलियन पाउंड्स की NCA के थ्रू इन UK, तो अब ये रकम जो है ये वापस मुल्क में आएगी और फिर ये रकम सुप्रीम कोर्ट से लेकर रियासत के हवाले कर दी जाएगी, तो ये आपको लग रहा है? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई फौजदारी मामला नहीं है बल्कि ये एक सिविल नौयत का मामला है, तो ये आपको लगता है कि ये एक अच्छा, इसको ओमन कहना चाहिए, इस अमाउंट का वापस आना लोगों में जो है एक एतमाद भी बहाल होगा कि अगर मुल्क से बाहर पैसा गया है तो वापस भी आएगा? ये जितने मुआहदे थे ये हमारे ही दौर में इसहाक डार साहब ने
بیرونی حکومتوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے. پہلے تو یہ بات ریکارڈ پر رکھیں, جس طرح سے کہ غیر ملکی سوئٹزرلینڈ اور دوسری جگہ انہوں نے تو بہت لمبی چوڑی باتیں کی, جو بھی تھوڑے بہت اکاؤنٹس جتنے بھی پیسے ہیں ان کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی, یہ آپ کیونکہ ریسرچ کرتی ہیں, آپ کے ساتھ پوری ٹیم ہے, وہ ریسرچ کر لیں کہ اسحاق ڈار کے دور میں یہ معاملہ ہوا. اچھا اب اگر پیسے آتے ہیں, جس شخصیت کے پیسے آئے ہیں, اگر ملک میں پیسہ آتا ہے تو ہم کیوں کہیں گے کہ یہ غلط پیسہ آیا ہے, نہیں آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے, پیسے آئے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ہی علیم آبادی کی جو یو اے ای میں ساری جائیدادیں جو انہوں نے کالا دھن سفید کرایا ہے, تو اگر سیاست میں تو ملک ریاض بھی نہیں ہے, اور اگر یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں علیم آبادی بھی نہیں ہے, تو 24-25 سال سے وہ شوکت خانم کے چندے تو جمع کر رہی ہیں نا, وہ ڈائریکٹر ہیں اس کی بورڈ کی, تو اس لیے ان کی جائیداد کا جو پیسہ, وہ جائیدادوں کا پیسہ بھی واپس آنا چاہیے. عمران خان کی آف شور کمپنیوں میں جو پیسے ہیں وہ بھی پاکستان میں آنے چاہیے, وہ آنے چاہیے. اچھا اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ کس طرح سے انہوں نے بتایا ہے, اور میرے دوست نے یہ بات بھی کی ہے کہ شیر شاہ سوری آتے ہی وہ ایک بدزبان آدمی کو انہوں نے دوبارہ بنا دیا. ان کی ذرا ٹیمیں دیکھیں, اور اس نے شیر شاہ سوری کس کو بنا دیا؟ بزدار کو بنا دیا. اب ایسے ایسے لوگ ہیں, تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ پیسے ملک میں آنے چاہیے, لیکن عمران خان اور ان کے لوگوں کے بھی, ابھی علیم خان کی بات سامنے آ رہی ہے, ان کے بھی پیسے ہیں, وہ بھی آ جائیں, اور بالخصوص علیما کے اور عمران خان کے تو آنے چاہیے نا پیسے. Alright. بالکل ہمیں انتظار رہے گا, جو جو پیسہ لے کر گیا ہے ملک سے باہر ان سب کا جو ہے اب یہ پیسہ واپس بھی آنا چاہیے. موونگ آن, ہم یہاں پر نوید چودھری صاحب ایک اور نیشنل ایشو کی جانب آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سردار محمد رضا صاحب, وہ آج اپنی 5 سالہ جو ان کی ڈیوریشن ہے وہ ان کی پوری ہونے جا رہی ہے, اور اب وہ جو ہے اپنی ڈیزگنیشن سے سبکدوش ہو جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے لیے جو نام دیے ہیں وہ بابر یعقوب ہیں, فضل عباس ہیں, عارف خان کے نام دے دیے گئے ہیں. اب بابر یعقوب جو ہیں وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں, فضل عباس میکن سابق وفاقی سیکرٹری جو ہیں وہ رہ چکے ہیں, اور عارف احمد خان بھی فارمر جو فیڈرل سیکرٹری ہیں وہ ہیں. تو سوالات اب یہاں پر یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ اپوزیشن ان میں سے کیا کسی ایک نام پر اتفاق کرے گی؟ کیا آپ کو ان میں سے کوئی ایک کینڈیڈیٹ ایسا لگ رہا ہے کہ جس پر اتفاق ہو جائے گا سب کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے میننگ فل کنسلٹیشنز. یہ نہیں ہے کہ تین نام شہباز شریف نے بھیج دیے, تین نام عمران خان نے بھیج دیے, جس میں سے سلیکٹ کر لو. اس کو لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور کی بات ہے, جب ہم نے ایک نام سلیکٹ کر کے میاں نوازی صاحب والا نام ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا, تو الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا, انہوں نے کہا اس میں میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے. ابھی تک عمران خان صاحب ہچکچا رہے ہیں ملنے سے شہباز شریف صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ. جب وہ بات چیت نہیں کرنے کو تیار تو ایسی کورسپونڈنس کا نہ کو بینیفٹ ملنا ہے, یہ کیس سیدھا سیدھا جانا ہے کمیٹی کے پاس, کیونکہ یہ دونوں کی جب دلچسپی نہیں آپس میں ملنے میں تو یہ کیس اس کے طرف چل جائے گا. اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب میں اور وزیر اعظم صاحب میں خط لکھنے سے, ندیم قریشی صاحب میری بات سن لیجیے نا پلیز, پلیز میری بات, مجھے بات کر تو نیلم صاحبہ, اگر مجھے بات نہیں کرنے دینی تو مجھے کیوں بلایا جاتا ہے؟ میں بات کرتا ہوں تو وہ کاٹ جاتی ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے, مجھے بات کرنے دیا کرے آپ, ٹائم دے رہے ہیں مجھے بات کرتے ہوئے کاٹ دیتے ہیں, تحمل سے کام لیں. آپ بھی تو جاتی کر رہی ہیں نا, میں تیسری دفعہ دیکھ رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے کاٹ کے چلے جاتے, اور ٹائم میرا بہت کم ہے, سوری تو سے یہ رویہ اچھا نہیں ہے, مکمل کر لے, یہ رویہ اچھا نہیں ہے, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, میں ابھی کمپلیٹ بات کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں نیوٹرل وے ہو رہی ہے, آپ مکمل کر لیں. نیوٹرل وے نہیں ہو رہی نا, ہو رہی ہوتی تو میں کبھی نہیں بولتا, میری عادت نہیں ہے بولنے کی, لیکن جب آپ تیسری دفعہ مجھے کاٹا تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں. بات سیدھی ہے کہ یہ جو چیزیں آپ نے کہہ رہے ہیں, جب یہ کہا ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی, ملاقات کرنے سے ہچکچا رہے ہیں, تو اب ہم حکومت سے سوال کر رہے ہیں کہ کیوں ہچکچا رہے ہیں وزیر اعظم؟ میں باقی بھی باتیں تو کر لوں نا, میں باقی بھی بات کر لوں کہ ایک بات میری کہہ رہی ہے تو آپ نے اس کے بعد ادھر دے دینا. جب میں بات کر رہا ہوں آپ, میں نے ایک بات کی تو آپ وہ کوشچن مان کے آگے چلا گیا, تو میری باتیں تو وہیں رہ گئی, تو میں کوشچن نہ اٹھایا کروں,
پھر بات تو یہ ہوگی نا, مکمل کر لیں. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ بات نیوٹرل طریقے سے ہی ہو رہی ہے, حکومت کے سامنے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور اپوزیشن کے سامنے بھی. آپ مکمل کر لیں اپنی بات. اب میں سوال, میں نے یہ سوال اٹھایا نا کہ وہ بات نہیں کرتا, اور میں اور سوال کر رہا ہوں. بات سیدھی سیدھی ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ کیس ہم نے اپوزیشن لے کے چلی گئی ہے کہ آرٹیکل 213 اس پہ خاموش ہے, اور جب ہم لے کے چلے گئے تو وہ اسی لے کے گئے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کمیٹی کے ذریعے کوئی فیصلہ نہیں ہونا. اب سپریم کورٹ کو اپنا رول ادا کرنا پڑنا ہے. یہ بات تھی جو جس کو میں کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا. اب آپ کر لیں سوال, جس کو کر آپ نے کر لیا مکمل. جی ہو گئی. ندیم قریشی صاحب اب بتائیے گا, رسپونڈ کریے گا جو یہاں پہ ایسپیکٹ اٹھایا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم ملاقات نہیں کر رہے شہباز شریف صاحب سے. خط و کتابت تو ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کو ایک بار پھر انہوں نے خط لکھا ہے, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی جلد از جلد آپ لوگ اپوائنٹمنٹ کریں. انہوں نے زور دیا اس بات پر. تو اب یہ خط میں شہباز شریف نے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے نام بھی دے دیے, تو آخر کیوں ہچکچاہٹ نظر آ رہی ہے حکومت کی جانب سے؟ حکومت کی جانب سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. میں پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سے دو روز میں معاملہ حل ہو جائے گا. ایک تو شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے ملک سے باہر ہیں, اور دوسرا میں ایک عرض کروں, میرا اپنا ایک ذاتی اس میں تجزیہ بھی ہے اور دوستوں سے بھی بات کی ہے, یہ سارے معاملے میں جو جے یو اے کا کردار ہے نا جی, وہ سب سے اس تاریخ میں اس پولیٹیکل ہسٹری میں بڑے عجیب لفظوں میں یاد رکھا جائے گا. کل بھی آلموسٹ ڈیسیجن ہونے والا تھا, لیکن اکرم درانی صاحب کی طرف سے جب وہ کورٹ میں گئے ہیں, انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس معاملے کو بھی کانٹروورشل کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں حکومتی سطح پر اس طرح کا کوئی میٹر نہیں ہے, ہمارے کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی فیوچر کا یہ پلان ہو کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے. ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ چیئرمین نئے بھی کنسنسس سے ڈپیوٹ ہوئے اور اس پہ بعد میں بڑے اختلاف رہے. اسی الیکشن کمیشن پہ فضل الرحمان صاحب نے جب الیکشن ہوا تو کہا کہ جی الیکشن کمیشن بہت جھوٹا ہے, انہوں نے فراڈ کیا ہے, انہوں نے الیکشن رگڈ کیے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ بیرونی فنڈنگ پر, پارٹی فنڈنگ کے اوپر کیس شروع ہوا, تو فضل الرحمان صاحب نے مطالبہ کیا کہ جی اسی الیکشن کمیشن کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تو ان کی ترجیحات ذاتی ہیں. آخری ٹل دا لاسٹ مومنٹ تک کیوں لٹکایا گیا اس معاملے کو چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر حکومت کی جانب سے؟ یہاں پر صدیق الفاروق صاحب, اپوزیشن نے اس معاملے میں جو ڈیڈ لاک نظر آ رہا تھا اس پر آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس چلے گئے تھے, اور آج جو ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے جب ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ کوئی بہت پازیٹیو نظر نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پارلیمنٹ کے مسائل عدالتوں میں لانا ہمیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت پارلیمنٹ کو سپریم دیکھنا چاہتی ہے. ماضی میں غلط ہوتا رہا لیکن اب پارلیمنٹ کی بالا دستی ہونی چاہیے, سب کچھ پارلیمنٹیرینز کے ہاتھ میں ہے, عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. تو اب عدالت نے, کورٹ نے آپ کو 10 دن کا وقت دے دیا ہے, تو یہ کیا اب سامنے ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ کیا یہ معاملہ سیاست دان اپنے طور پر حل کر پائیں گے؟ پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ آئین کہتا ہے میننگ فل کنسلٹیشن, ٹھیک ہے. اس کی مزید الیبوریشن اگر انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے, 10 دن کا موقع مل گیا لیکن آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ 5 سال سے پی ٹی آئی کا چل رہا ہے. پی ٹی آئی نے 61 درخواستیں پہلے دے کے, اور 7 درخواستیں یا 6 ان کی اب چل رہی ہیں, اور اس میں یہ منتیں کرتے ہیں کہ ان ہمارے جو معاملات ہیں ان کو اوپن نہ کیا جائے, پبلک نہ کیا جائے, کنفیڈینشل رکھا جائے. وہ موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں, جو چیف الیکشن کمشنر صاحب جو آج رات 12 بجے 1 منٹ پہ ریٹائر ہو جائیں گے, وہ ان کی عدالت میں تھا, وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ فیصلہ ہو. پھر انہوں نے دوسری درخواستیں دے دی کہ اچھا جی آپ باقی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بھی, اچانک 5 سال سے آپ چل رہے ہیں اور ہمارے ہم پر آپ نے چاہتے ہیں کہ 2 دنوں میں 3 دنوں میں ہفتے میں سارے اکاؤنٹس دے دیں, ہم وہ دے دیں گے انشاءاللہ. بنیادی بات یہ ہے. تو اس میں سے پسو پیش جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ بھائی یہ آخری دن میں آپ اس سے پہلے کنسلٹیشن کر لیتے, پتہ چل جاتا کہ فلاں آدمی کو منتخب کر لیا گیا ہے. لیکن عمران خان کا اپنا رویہ, اپنی انا, بلکہ ایگوٹزم جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملانے کے روادار لیڈر آف دی اپوزیشن سے, بلکہ جو ان کی زبان اور ان کا بیان ہے اور جو رویہ ہے وہ آپ دیکھ لیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہو یا وہ پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہوں,
उनके हवाले से उनकी जुबान व बयान क्या है, क्या इस तरह के जुबान व बयान और इस तरह के रवैयों में म्यूचुअल कंसल्टेशन हो सकती है और लोग आपस में मिल सकते हैं? ये कौन कर रहा है? ये इमरान खान और पीटीआई वाले कर रहे हैं। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा, और ये जो अभी कह के फैसला होने वाला था और लेके चले गए, फैसला होने वाले ऐसे फैसले होते हैं जो बात पीटीआई के लोग तो एक लम्हा पीटीआई के लोग तो परवेज मुशर्रफ को अपना जो है वो और पाकिस्तान का वो कहते हैं जी वो मोहसिन है, वो तो उसको मोहसिन करार दे रहे हैं जिसने आइन तोड़ा, मार्शल लॉ लगाया। इनके रवैये क्या हैं? तो ये अपने रवैये ठीक करें। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इदारों में जो जो अपॉइंटमेंट्स हों उनमें एक्सटेंशनें होती हैं या नहीं होती, उनमें दूसरे मामला, कोई गैर यकीनी खत्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब ये सवाल पैदा होता है कि पार्लियामेंटेरियंस आखिर कोर्ट्स के मुदाखलत के या कोर्ट्स तक जाए बगैर क्यों नहीं खुद बैठकर अपने मामलात हल कर पाते? नवीद चौधरी साहब, एक और हमारा जो अहम आज का टॉपिक है, हमारे शो का वक्त भी कम रह गया। अब जो खसूसी अदालत थी उसने परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो केस है उसका फैसला December 17 तक सुनाने का ऐलान कर दिया है, और कोर्ट्स ने कहा है कि वो पहले प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट सुनेंगे और फिर उसके बाद वर्डिक्ट अनाउंस करेंगे। उन्होंने परवेज मुशर्रफ के वकील को यह भी कहा है कि वो दिसंबर 17 तक अपने दलाइल मुकम्मल करें और फिर दलाइल सुनकर उसी दिन हम फैसला सुना देंगे। तो अब ये हुकूमत की जानिब से ये एक नई प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो कोर्ट्स में पेश हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि हुकूमत परवेज मुशर्रफ को दिफा का हक दिलवाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, हुकूमत क्योंकि चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से इनके दौरे हुकूमत में यह फैसला ना हो, इसलिए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। आपको याद होगा कि जब वो फैसला होने वाला था तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इंटीरियर मिनिस्ट्री थी उन्होंने कहा जी कि क्योंकि इसमें प्रोसिक्यूशन दूसरी थी तो इन्हें चेंज किया जाए। कल प्रोसिक्यूशन जो थे वो भी इतना टाइम मांग रहे थे कि जी मुझे 3 माह मिलने चाहिए। तो कोर्ट तो इस पर फैसला करना चाहती है, क्योंकि आप चीफ जस्टिस खोसा साहब ने कहा था कि हम तो फैसला इसको जल्दी लाना चाहते हैं। अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत की दिलचस्पी नहीं है और इसीलिए वो प्रोसिक्यूशन में डिले करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ जैसे कोर्ट ने एक डिसीजन ले लिया है कि चाहे आप प्रोसिक्यूशन वो तैयारी करके आए ना आए हमने फैसला दे देना है, तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई ऐसा एक इंटरिम फैसला जरूर आ जाएगा जिससे लोगों के अंदर एक सेटिस्फेक्शन आएगी कि अदलिया ने अपना रोल अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद चौधरी साहब, नदीम कुरैशी साहब और सिद्दीकुल फारूक साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजीन, हमें भी इंतजार रहेगा कि दिसंबर 17 को अब क्या वर्डिक्ट अनाउंस होता है। आज के लिए इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।